यस वर्क सर, पावर एनर्जी में क्या पढ़ रहे थे? वर्कडन। क्या पढ़ रहे थे? वर्कडन। ठीक है, वर्क डन। अब देखो वर्कडन में थोड़ी कहानी आगे बढ़ाते हैं हम लोग इसी में। तो हम लोगों ने जो पढ़ा बच्चे, वो पढ़ा कि क्या क्या पढ़ा हमने, पढ़ा वर्क डन, डेट है 10, हम लोगों ने पढ़ा वर्क डन। वर्क डन में हम लोगों ने पढ़ा W इज इक्वल टू एफ डॉट एस ना, यही तो पढ़ा, एफ डॉट एस, फोर्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसकी यूनिट और सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। बाकी हम लोगों ने ये भी देखा कि भाई हम किसी बॉडी को चला रहे होते हैं तो उस बॉडी पे जो जो फोर्स लग रहा होता है, अगर बॉडी मूव कर रही है तो जो जो फोर्स लग रहा होता है उस फोर्स के कारण क्या वर्क डन होगा। और हम लोगों ने नेटवर्क डन भी निकाला और हम लोगों ने फाइनल वेलोसिटी भी निकाली, इनिशियल वेलोसिटी भी निकाली। इन सब चीजों को हमने डिस्कस कर लिया, किया कि नहीं किया ये बताओ, किया ना? ठीक है, अच्छा अब कहानी थोड़ी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। क्या उस पे एक न्यूमेरिकल हम आपको दे दें, जल्दी से बना दोगे या फिर आगे बढ़ाएं? हम एक न्यूमेरिकल दे देते हैं, आप उसे जल्दी से बना दो, फिर हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। लिखो, एक न्यूमेरिकल दे देते हैं ताकि वो ताजा हो जाए आपका, फिर कहानी को थोड़ी आगे बढ़ा देते हैं। देखो जैसे मान लो एक बॉडी है, इस बॉडी पे न्यूटन का फोर्स ऐसे लग रहा है एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। ठीक है, और ये सरफेस है जो कि रफ है और इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू मास, बॉडी का ले लो एम इज इक्वल टू मान लो कि 10 kg है। ठीक है, बॉडी का मास 10 kg हो गया तो यहां ले लो ये 0.1 है, कितना है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1। ठीक है, यस क्लियर है? यस सर। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट U is equal to 0 at T is equal to 0. लिख लो, body starts from rest. ठीक है, starts from rest. Find displacement. Velocity, displacement, and velocity after t is equal to 2 seconds. At t is equal to 2 seconds. Find the displacement velocity of the बॉडी या पार्टिकल एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड एंड ऑल्सो डिटरमाइन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एंड नेटवर्क डन। ठीक है, एंड ऑल्सो डिटरमाइन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एंड ऑल्सो नेटवर्क। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ, जल्दी से बना दो। ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। बॉडी मान लो यहाँ पहुंची, कहीं पहुंची होगी, कितनी दूरी पे है बच्चे? सर डिस्टेंस कितनी है? हाँ यही तो विषय है ना, यही तो सब्जेक्ट है ना। डिस्टेंस कैसे निकले? डिस्टेंस निकलेगा तो नेटवर्क डन तो निकल ही जाएगा ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स निकल जाएगा, वर्क डन बाय डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकल जाएगा, वर्क डन बाय जो भी चाहते वो निकल जाएगा। निकालना क्या है सिर्फ, या आप किसी तरीके से क्या निकालो इसका,
निकालो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कितना टी इज इक्वल टू टू सेकंड। आप लोग कर लोगे ठीक है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है ठीक है। थोड़ा सा क्या लगाने की जरूरत है, दिमाग दिमाग जो कि आपके पास है ठीक है। एक्सेलेरेशन निकाल सकते हो क्या, यस सर, हैं एक्सेलेरेशन निकल जाएगा यहाँ पे, बोलो बच्चे, यस सर, निकलेगा, यस सर निकल, एक्सेलेरेशन निकल जाएगा, तो टी इज इक्वल टू टू सेकंड पे वेलोसिटी नहीं निकल जाएगी, यस सर, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकल जाएगा, सब काइनेमेटिक्स है, सब क्या है काइनेमेटिक। हम सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहे हैं मेरे बच्चों कि आपको काइनेमेटिक्स ही पढ़ना है, यहां सिर्फ उसमें फोर्स लग रहा है ठीक है, क्या लग रहा है उसमें फोर्स आ गई, एनर्जी आ गई, भाई इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ कैसे, फोर्स के कारण, एनर्जी के कारण, बाकी डिस्प्लेसमेंट जो आप निकालते आए हो, वेलोसिटी आप निकालते आए हो, एक्सेलेरेशन आप निकालते हो, सब वही है। न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई होगा कि नहीं, यहाँ होगा, होगा, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होगा कि वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा, और यही अगर वेरिएबल फोर्स दे दे तो क्या आप डिस्प्लेसमेंट नहीं, एक्सेलेरेशन नहीं निकाल सकते हो इसका, निकाल सकते हो yes. है ना, सब कुछ वही है, कुछ नहीं बदला है ठीक है। चल बताओ कितना होगा वेलोसिटी टी इज इक्वल टू टू सेकंड पे, निकल जाएगा सर मेरा 96 मीटर पर सेकंड आ रहा, 96 मीटर पर सेकंड, अब बहुत ज्यादा है यार, देखते हैं चलो, इसका पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, draw the body, yellow, will external force reaction, reaction, draw the body, self weight इसका 10 kg, मतलब 100 newton, g 10 ले लेना, g कितना ले लोगे, 10 meter per second, ठीक है, g 10 meter per second, तो ये हो जाएगा आपका 100, एक external force लग रहा है 20 का, तो ये हो गया 20 का एक्सटर्नल फोर्स, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है जी। मुझे लगता है आप लोगों को ना अभी बहुत तरीके से नहीं बनाने आया है क्या फ्री वर्ड डायग्राम, और आप सीख भी नहीं रहे उसको, नॉर्मल फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग जाएगा, ये हो गया फ्रिक्शन, कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स, हो जाएगा म्यू इंटू एन, अब यहां से एन की वैल्यू निकाल दो, इनकी वैल्यू कैसे निकालोगे, यहाँ देखो फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, इसे ब्रेक कर दो, ये हो जाएगा 20 cos 37 और ये हो जाएगा 20 sin 37, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया ठीक है, बोलो कोई दिक्कत, नो सर ठीक है, आप बताओ n cos n, ये 20 sin 37 कितना हो गया भाई, मुझे लगता है आप लोग बता दोगे, 20 इंटू का 5, पांच चौका 20 चाहती है 12 न्यूटन, होगा कि नहीं होगा बोलो, यस ठीक है, तो वाई एक्सिस में, वाई डायरेक्शन में बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगी, तो वाई में इक्विलिब्रियम में कर दो, तो एन प्लस 12 इज इक्वल टू 100, यही तो होगा भाई, एन ऊपर 12 ऊपर और 100 नीचे, एन प्लस 12 इज इक्वल टू 100, तो एन इज इक्वल टू कितना भाई, एन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 88, हुआ कि नहीं हुआ बताओ, हो गया 88 न्यूटन हुआ, अब n इज इक्वल टू 88 न्यूटन हुआ तो फ्रिक्शन फोर्स कितना हुआ भाई, फ्रिक्शन फोर्स हो गया आपका 0.1 इनटू 88, तो ये हो गया 8.8 न्यूटन ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है इस पे, एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है 20 इनटू cos 37, 4/5, 5 चौका 20, 4 चौका 16 न्यूटन, क्या बॉडी मूव करेगी, हाँ करेगी,
तो बॉडी मूव करेगी तो उसमें नेट फोर्स कितना लगेगा, नेट फोर्स देख लो, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, बताओ नेट फोर्स कितना होगा बच्चों, नेट फोर्स हो जाएगा मेरे बच्चों 16 इधर लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स 8.8 न्यूटन इधर लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो होगा मेरे बच्चे 16 - 8.8, मुझे लगा नहीं तुम लोगों को आया, अरे बोलो, यस सर आ गया, सही है ना, यस सर, ठीक है, तो एफ नेट इज इक्वल टू इतना हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है इसका 10, एक्सेलरेशन निकल जाएगा, तो एक्सेलरेशन कितना आएगा, 16 में से 8 गया, 8 बचा, मतलब 16 में से 8.8 गया तो 7.2 बचेगा, तो क्या एक्सेलरेशन 0.72 आया कि नहीं आया बताओ, अरे बोलो, यस सर, ये माइनस करोगे 16 में से 8.8 तो कितना आएगा, 7.2 आएगा, यस सर, यस सर, और 7.2 इज इक्वल टू 10 इनटू a, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 0.72 मीटर पर सेकंड, आया कि नहीं आया बताओ, यस सर, क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, वेरिएबल नहीं कांस्टेंट, कांस्टेंट है, अब यही अगर फोर्स वेरिएबल होता तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाता, वेरिएबल हो जाता, ठीक है, तो वेरिएबल वेलोसिटी एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते, निकाल लेते कि नहीं बताओ, यस सर, मैं ये इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आईआईटी में कई क्वेश्चन पूछे गए हैं और वो मैं आपको देने वाला हूँ तो आपको लगेगा कि अरे यार ये कितने आसान आसान से क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो a इज इक्वल टू 0.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ तक कॉन्स्टेंट है, तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के लिए बताओ इक्वेशन ऑफ मोशन क्या लगता है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, मुझे लगता है मेरे सारे बच्चे जानते हैं, ठीक है, तो बताओ v इज इक्वल टू u प्लस at लगा लोगे कि नहीं लगा लोगे, सर लगा लेंगे, लगा के दिखाओ, लगा के दिखाओ भाई, v इज इक्वल टू u प्लस at लगाओ, v इज इक्वल टू u प्लस 80, इससे वेलोसिटी निकल जाएगी, कब वेलोसिटी आपको चाहिए, t इज जीरो आ रही है, जीरो क्या वेलोसिटी जीरो आ रही है, टू सेकंड में बतानी है, तो u जीरो है, एक्सेलरेशन आपका 0.72 है इनटू 2, t इज इक्वल टू 2 सेकंड में बताना है ना सर, 1.4 थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन अच्छा दे दो, अच्छा उसने कह दिया कि बताओ इसका जो है इसका वेलोसिटी यहाँ पे कितना होगा, अब चूंकि आपके दिमाग में क्या गूंज रहा था, आपके दिमाग में वर्क एनर्जी गूंज रहा था, आप खोज रहे थे कि वेलोसिटी हमको मिल जाती वहां पे, वेलोसिटी निकल, वेलोसिटी मिलने के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए था, वो मिल नहीं रहा था आपको, आप किसी ने पूछा सर डिस्प्लेसमेंट बता दो, आप मेरी बात समझ में आएगी नहीं, ये बताओ पहले, यस सर आ गई, तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है ये आप जानते हो, क्लियर है, आप बताओ वेलोसिटी निकल गई कि नहीं, ये बताओ, यस सर, फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at, है कि नहीं बोलो, है, बताओ s कितना है, s नहीं पता, u कितना है, जीरो, हाफ a, a आपका 0.72 है इंटू टी स्क्वायर, टी कितना है 2 का स्क्वायर, दो दो को खा गया, s इज इक्वल टू कितना आया 1.44 मीटर आया, सही है गलत है, यस सर सही है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आ गया, अब बताओ वर्क डन निकाल लोगे आप एक्सटर्नल फोर्स के कारण, एक्सटर्नल फोर्स कितना है, किस फोर्स के कारण वर्क डन हो रहा है, जिधर डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट किधर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स कौन लग रहा है, क्या 16 है या 12 है, सर 16, तो वर्क डन किसके कारण निकालोगे, 16 के कारण की 12 के कारण, 16 के कारण, क्यों, क्योंकि 16 की डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, 12 की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं है, 12 तो ऊपर लग रहा है, ऊपर लग रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री हो गया, एंगल 90 डिग्री हो गया मतलब वर्क डन हुआ ही नहीं, किसने नहीं किया, 12 ने नहीं किया, लेकिन किसने किया, 16 ने किया, इसीलिए तो बॉडी डिस्प्लेस हुई, नहीं तो नहीं होती, मेरी बात समझ रहे हो, यस सर,
ठीक है, तो बताओ वर्डन कितना होगा, तो कहोगे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, फोर्स हो गया 16, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका 1.44, cos theta, theta कितना होगा, force और displacement के बीच angle कितना है, कौन सा force जो कि उसको displace करा रहा है, कौन force displace करा रहा है, 16 newton, तो 16 के कारण work done कितना होगा, 16 और displacement के बीच sir 90 degree है ना? Yes, मेरे बच्चों 16 ध्यान से समझना, हम दोनों चीजों से बता सकते हैं आपको, देखो हम 37 भी लगा के बता सकते हैं, हम 37 भी लगा के बता सकते हैं, और हम जो है ना जीरो भी लगा के बता सकते हैं। 37 लगाएंगे तो उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे जिससे डिस्प्लेसमेंट का एंगल है। अब मेरी बात समझो, ये फोर्स लग रहा था ऐसे, लग रहा था कि नहीं, कौन फोर्स लग रहा था, 20 न्यूटन, कौन लग रहा था, 20 न्यूटन, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे। अब ध्यान से अगर देखो तो डिस्प्लेसमेंट किधर है मेरे बच्चों, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये है कि नहीं बताओ, यस सर, और फोर्स का डायरेक्शन इधर है, सॉरी फोर्स का डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर है, फोर्स का डायरेक्शन ये है, कितने एंगल पे, 37 डिग्री पे है। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल है कि नहीं है, अरे यार ये देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हुआ कि नहीं, और सॉरी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये हुआ कि नहीं, मुझे बताओ ये हुआ कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जारी तो जा रही है बॉडी, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कौन सा लग रहा है, ये वाला, ये हो गया फोर्स। अब ये वाला फोर्स कितने न्यूटन का है, 20 न्यूटन, 20 का, तो फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो बताओ वर्क डन कितना होगा इस फोर्स के कारण, तो आप कहोगे वर्क डन W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है आपका 1.44, और कितना थीटा, अब थीटा कितना लोगे, 37 डिग्री, cos 37, cos 37 डिग्री, चलेगा कि नहीं चलेगा बताओ, यस सर, आई बात समझ में नहीं आई सर, आ गई, या तो हमने फोर्स को तोड़ दिया। अब देखो दूसरा तरीका जो मैं यहाँ बता रहा था आपको कि किस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट है, भैया 16 के कारण डिस्प्लेसमेंट है, कैसे, देखो 16 का तोड़ा इधर वाला कंपोनेंट, सॉरी 20 को तोड़ा इधर वाला कंपोनेंट क्या होगा, 20 cos 16 होगा कि नहीं, सॉरी cos 37 होगा कि नहीं, होगा होगा, और इधर कितना होगा 20 sin 37, बताओ किसके कारण डिस्प्लेसमेंट है, सर cos 37 के कारण, किसके कारण डिस्प्लेसमेंट है, 20 cos 37 या 20 sin 37, सर cos, cos, तो इसी के कारण वर्क डन होगा कि नहीं होगा बताओ, यस सर, यस सर, तो इसके कारण वर्क डन, अब दोनों फोर्स, दो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एंगल कितना हो गया, सर 180 डिग्री और 0 डिग्री, तो 180 अगर अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब, और 0 डिग्री जब सेम डायरेक्शन, तो क्या यहां सेम डायरेक्शन है या अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो जीरो लिख दिया कि नहीं लिख दिया बताओ, यस सर लिख दिया, मेरी बात समझ में, इसको भी कैलकुलेट करोगे इस वाले को भी तब भी कितना आएगा, वही आएगा जो वहां आ रहा है, यस सर, क्लियर है सर जी, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, ये हो जाएगा 16 into 1.44, cos 0 1 हो गया, तो कर लो 16 चौका 64 और 6 70 सुना हाथ में 7 और 23.04 जूल आया, यस सर, ठीक है, क्लियर है, यस सर, अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन बताओ कितना आया, -2F 72, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन आ गया 8.8 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1.44, दोनों का भी एंगल कितना होगा -12.672, मतलब cos 180 होगा कि नहीं होगा ये बताओ, यस सर, फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 180, तो ये हो गया cos 180 -12.672 ये हो गया -8.8 into 1.44, इसे कैलकुलेट कर लो जितना आया वो लिख, यस सर, ये हो गया इतना जूल होगा, अब नेटवर्क ने निकालोगे उसमें से इसको माइनस कर दो, नेटवर्क निकल गया, क्लियर है, यस सर, या नेटवर्क निकालना है, अगर आपसे ये नहीं पूछ रहा है, मेरी बात समझो, अगर आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि बच्चे बताओ कि
एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन कितना है, फ्रिक्शन के कारण जो है फ्रिक्शन के कारण वर्क डन कितना, अगर ये दोनों आपसे नहीं पूछ रहा है तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है तो क्या करोगे, सीधा सीधा नेट वर्क डन हो जाएगा नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया नेट वर्क डन, बताओ नेट फोर्स कितना है, आप कहोगे सर 8.8, यही तो नेटवर्क नेट फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना 1.44, दोनों का एंगल कितना है भाई, किसका एंगल लोगे, नेट फोर्स किस डायरेक्शन में होगा कि डिस्प्लेसमेंट होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यस सर, तो डिस्प्लेसमेंट और नेट फोर्स दोनों का एंगल कितना होगा, जीरो, यहाँ लिख सकते हो कॉस जीरो 180 देखो मेरी बात, नेट फोर्स हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, रे यार यस सर, तुम्हें कोई खींच रहा है, तुम्हें कोई खींच रहा है लेकिन फिर भी तुम उसको खींचते हुए अपनी तरफ लेके जा रही हो, इसका मतलब तुम्हारा फोर्स उसके फोर्स से ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, कितना ज्यादा है, वही तो नेट हुआ, यस सर, अरे नहीं आया सर, आ गया, क्लियर है ना, देख जैसे ये रस्सी है इस रस्सी पे इधर को तुम्हारी दोस्त ना 8 न्यूटन का फोर्स लगा रही है और तुम इधर 12 न्यूटन का फोर्स लगा रही हो, बताओ रस्सी किधर जाएगी, 12 न्यूटन की साइड, कितने से, 4 न्यूटन से, तो यही तो 4 न्यूटन किधर लगाओगे, इस तरफ लगाओ, अपनी तरफ लगाओगे या इस तरफ लगा दोगे, अपनी तरफ, तो अपनी तरफ लगाया ये 4 न्यूटन, तो यही तो नेट फोर्स हुआ, यस सर, और नेट फोर्स जिधर होगा उधर ही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, यस सर, ठीक है, कोई दिक्कत, नो सर, यही है, नो सर, रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, सब यही से आसान आसान सी कहानी है, करते चलो काम खत्म, क्या और एक देने की जरूरत है, नो सर, चलो लिखो, ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे, मैं दे दूं एक आक और या फिर चलें, सर दे दो, सर दे दो, हाँ एक दे दो छोटा सा ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए, लो इधर, लो मैं दे देता हूँ आसान सा देता हूँ, एंगल एंगल की जरूरत नहीं पड़े, मान लेते हैं यहाँ 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और मास इसका 10 kg है, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, ठीक है, तो सर ये रफ सरफेस है ना, है रफ सरफेस है, हाँ रफ सरफेस है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया इसका मतलब सरफेस रफ, ओके सर, यहाँ t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कुछ वेलोसिटी है, मान लो 2 m/s, ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे मान लो इसमें कुछ वेलोसिटी है, कितनी है 2 m/s, ठीक है बच्चे, यस सर, तो आपने बताना है t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 4 s पे इसकी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट और नेटवर्क, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट मान लो, जल्दी बताओ फटाफट, सर ये जो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 ये आपने u लिखा है या फिर आपने ये v लिखा है, इनिशियल वेलोसिटी दिया है मैंने 2 m/s, g की वैल्यू 10 मान लो, ओके 10 मान लो, g की वैल्यू 10 m/s, ये है 10 m/s, निकल गया, चलिए क्वेश्चन था सर ये 10 kg है ना, हाँ तो मास 10 kg, वेलोसिटी 6 m/s, वेलोसिटी 6 m/s आ रही है, यस सर, चलो मैं आंसर आ गया, वेलोसिटी 6 m/s, सर तो ये तो 1 kg 1000 और फिर मल्टीप्लाई किया तो सर ये तो ज्यादा नहीं हो रहा, 1 kg और 1000 कहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, 100 ना, तो इसे ग्राम में कन्वर्ट नहीं करना, क्यों ग्राम में क्यों करेंगे, केजी है तो,
मीटर में है, केजी में है। जब केजी है, मीटर है, सब एमकेएस में है, तो सीजीएस में क्यों कर रहा है भाई, बता। बोलो, जब सारी यूनिट एक में है, एमकेएस सिस्टम में जब सारी यूनिट हैं, तो आपको सीजीएस में करने की क्या जरूरत है मेरे बच्चे? खुद से दिमाग क्यों लगा रहा है? सर मेरी तो वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ रही है। आ सकती है, बड़ी चीज थोड़ी ना है, वेलोसिटी ही तो है। एक्सेलेरेशन देखो कितना हो रहा है। सर 2 मीटर पर सेकंड आ रहा है एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। बोलो कितना आ रहा है एक्सेलेरेशन? अरे नेट फोर्स बताओ, इधर देखो मेरा तो वन आ रहा है। तो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। एक्सेलेरेशन तो 1 मीटर पर सेकंड आ रहा है। 1 मीटर पर सेकंड 30 न्यूटन है। यस सर। अब ये एक्सटर्नल फोर्स अगर 30 न्यूटन है, देख फ्रिक्शन इस पे ये हो गया सेल्फ वेट कितना, 20 न्यूटन, 20 न्यूटन का नॉर्मल ये हो गया, फ्रिक्शन हो गया म्यू इनटू एन, नॉर्मल कितना हो जाएगा 100, म्यू कितना है 0.2, एन कितना है 100, तो क्या 20 न्यूटन, 20 न्यूटन आ गया। बताओ नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलेरेशन। बताओ नेट फोर्स कितना है? बोलो 30 माइनस 20 इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास है 10, एक्सेलेरेशन 1, तो बता a कितना आया, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया कि नहीं? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यस सर। यस सर, ये तो आया। अब एक्सेलेरेशन आ गया, बता वेलोसिटी यहां t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बोलो कांस्टेंट। यस सर। एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट है बच्चे, तो बता वेलोसिटी क्या हो जाएगी? v इज इक्वल टू u प्लस at। वेलोसिटी आपको पता करना है, u कितना है 2, a आपका 1 मीटर है इनटू t 4 सेकंड, तो कितना आया ये 4 × 4 = 6 6 मीटर पर सेकंड आ गया, सही तो है ये? यस सर। यस सर, ऐसा आ गया 16। तो कैसे 10 आ रहा था तुम्हारा? तुम्हारा एक्सेलेरेशन 2 आ गया होगा सर। सर ये सर वो 20 माइनस में क्या क्यों नहीं किया? फ्रिक्शन नहीं दिखाओगे क्या? भूल गई। भूल गए तो भूल जा फिर। भूल जा फिर। सर ऐसा हमारा 16 हो रहा है। 16 एस इक्वल टू 16 हाफ एन स्क्वायर। यू है आपका 2, टी है 4 प्लस हाफ इनटू ए, ए है आपका 1 इनटू 16/2 8, 8 × 16 मीटर आएगा। यस सर, ये तो आएगा। यस सर 16। अच्छा नेटवर्क डन क्या आएगा भाई? नेटवर्क, अब नेटवर्क गन देख लो, नेटवर्क गन क्या हो जाएगा भाई? नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही तो। नेट फोर्स कितना है बोलो? नेट फोर्स उस डायरेक्शन में कितना है भाई? 30 माइनस 30। यस सर इनटू 16। डिस्प्लेसमेंट कितना है? 16। यस सर। दोनों के बीच एंगल कितना है? 0। यस सर 0 ही तो होगा। यस सर। यस सर, अनन्या समझ में आया? तो 30 माइनस 20 ये हो गया 10 × 16। सर आराम से। हाँ जी सर, आ रहा है 160 जूल आया। समझ में आया कि नहीं? 16 = 160। ठीक है। यस सर। सर आ गया। हाँ जी, अब देखो लिखो क्या। अब आप खुद से क्वेश्चन नहीं बना सकते हो? सर बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे लिखो। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स,
वेरिएबल फोर्स, ठीक है वर्क डन भाई, वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, देखो किसी कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन था वो था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, था कि नहीं बताओ। किसी कांस्टेंट वर्क, कांस्टेंट फोर्स के कारण जो वर्क डन था, चूंकि फोर्स कांस्टेंट था तो कांस्टेंट फोर्स के कारण वर्क डन क्या था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स डॉट एस, था कि नहीं था बताओ। ये जो वर्क डन का फॉर्मूला है दिस इज अप्लीकेबल ओनली फॉर Force is constant. अगर फोर्स कॉन्स्टेंट होगा तो ही ये फॉर्मूला अप्लीकेबल है, अदरवाइज अप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, अब अगर फोर्स वेरिएबल करे, फोर्स क्या करे, वेरी करे, फोर्स वेरी करेगा तो उसी के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करेगा कि नहीं करेगा बताओ। यस सर करेगा। मैं जैसे देखो एक बॉडी पे ऐसा फोर्स लग रहा है, देखो ध्यान से समझना, एक बॉडी पे ऐसा फोर्स लग रहा है, ऐसा सपोज करो ऐसा फोर्स लग रहा है कुछ ऐसा, ठीक है, ये फोर्स इधर है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, ग्राफ, कोई दिक्कत? अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे, यहाँ पे फोर्स का, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट, मतलब इससे और इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और यहाँ से, उतने ही टाइम इंटरवल के लिए या उतने ही डिस्प्लेसमेंट के लिए, या इसको उतने ही डिस्प्लेसमेंट के लिए, आप देखो यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स की वैल्यू है वो कम और ज्यादा हो रही है, हो रही है कि नहीं बताओ, बोलो। किसी टाइम t इज इक्वल टू, मान लो t इज इक्वल टू 0 या 1 सेकंड पे और t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे, अगर यहां देखें तो t इज इक्वल टू 1 से t इज इक्वल टू 3 सेकंड में जो डिस्प्लेसमेंट है, क्या वही डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 3 से t इज इक्वल टू 5 सेकंड में है? ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स यहां पॉइंट टू पॉइंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है फोर्स यहां पॉइंट टू पॉइंट। अब देखो यहां पे जो फोर्स है, ध्यान से समझ बच्चे, यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है और यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है और यहाँ पे जो फोर्स की वैल्यू है, 1, 2, 3 की बात मैं करूं तो मान ले 1 पे फोर्स अगर 10 है, 2 पे फोर्स अगर 40 है, तो 3 पे फोर्स मान लो कि जो है कुछ 25 है, तो क्या 1, 2, 3 तीनों जगह फोर्स की वैल्यू सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। और 1 से 2 में जो फोर्स की पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू है, 2 से 3 में जो फोर्स की पॉइंट टू पॉइंट वैल्यू है, वो भी क्या है, अलग है। क्यों? क्योंकि ग्राफ ही क्या है उसका, अलग अलग है। yes, ध्यान से समझो। तो ऐसे केस में क्या करते, मेरा मतलब है सिर्फ केस बताना कि ऐसे केस में करते क्या है। तो ऐसे केस में करते क्या है बच्चे, छोटे से डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को क्या एज्यूम कर लेते हैं कि कॉन्स्टेंट है। इस बात को लिख लेना, वो छोटे से डिस्प्लेसमेंट, जब फोर्स वेरी करे तो एक छोटे से सेगमेंट में या छोटे से डिस्प्लेसमेंट में या छोटे से टाइम इंटरवल में उस फोर्स की वैल्यू को हम कांस्टेंट एज्यूम करते हुए वो उस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन निकालते हैं, तो जो वर्क डन होगा उस वर्क डन को हम लोग लिखते हैं छोटा सा वर्क डन, दैट इज dW इज इक्वल टू, वहां फोर्स एज्यूम करते हैं कि ये फोर्स कांस्टेंट है, F डॉट छोटा सा डिस्प्लेसमेंट ds, लिख लो इस बार, मेरी बात समझ में आई कि नहीं ये बताओ। yes. क्या assume करते हैं हम लोग कि भैया ऐसे छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क फोर्स को हम लोग क्या assume कर लिए, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला तो ये था, लेकिन यहाँ डिस्प्लेसमेंट बहुत ज्यादा था, तो छोटे से डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन क्या होगा, ये W की जगह हमने क्या लिख दिया, ds, dW, क्या लिख दिया, dW, तो dW is equal to f dot ds, dW is equal to f dot ds, yes sir, dW is equal to f dot ds, yes, clear है, yes sir, और हम लोग फिर उसके बाद क्या कर देते हैं भाई, W निकालने के लिए क्या कर देते हैं, जितने से जितने इंटरवल में है उसके बाद हम लोग इसे इंटीग्रेट कर देते हैं,
सो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट यस ठीक है ये लिख देंगे ठीक है यस डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट यस ये लिख देंगे एफ डॉट डीएस को हम क्या लिख सकते हैं बच्चे एफ डॉट डीएस को हम लोग लिख सकते हैं एफ इंटू डी एस कॉस थीटा थीटा लिख सकते हैं कि नहीं बताओ एफ यस सर एफ इंटू डी एस कॉस थीटा ठीक है तो डी डब्ल्यू या इंटीग्रेशन ऐसे इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ इंटू डी एस कॉस अब जब एफ इंटू डी एस लिखोगे कॉस थीटा तो क्या खत्म हो जाएगा भाई तो उनके बीच डॉट प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा और यहाँ जो वेक्टर ऊपर लगाते हो वो भी क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा खत्म तो अब यहाँ से चाहो तो W निकाल सकते हो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F इनटू ds ठीक है थीटा ठीक है यस सर अब देखो फोर्स इनो डायरेक्शन में हो सकता है आई जे के फॉर्म में तो आई जे के फॉर्म में अगर है तो डिस्प्लेसमेंट भी आई जे के फॉर्म में होगा तो लिख लो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म अगर है एफ इज इक्वल टू मान लो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के एफ वाई जे प्लस एफ जेड ठीक है तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं कि वो है डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमने मान लिया तीनों डायरेक्शन में ये है yes, ठीक है yes, तो जो वर्डन हो जाएगा हमारा डब्ल्यू इज इक्वल टू वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस कह रहे हो आप ये तो कह रहे हो yes, sir. तो ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ को आप लोग मान लोगे यहाँ एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के डॉट डॉट डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के कर सकते हो कि नहीं बोलो कर सकते हैं सर क्लियर है यस सर आप देखो आई के साथ जे के साथ के के साथ डॉट प्रोडक्ट यस सर ठीक है आई के साथ जे के साथ के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखोगे तो डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा कहने का मतलब मैं जो सिखा रहा हूँ एक्स का एक्स के साथ इंटीग्रेशन प्लस आई का वाई के साथ प्लस जेड का जेड के साथ एफ जेड क्लियर है yes, मैंने इससे आपको क्या सिखाया मेरे बच्चों मैंने इससे आपको सिखाया कि अगर x डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट किस में होगा x डायरेक्शन y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन z डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन क्लियर है यस सर पक्का है यस सर ठीक है घबराओगे तो नहीं नो सर दे दे क्वेश्चन यस यस चल लिखो इस टॉपिक में हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं वेरिएबल वर्गन में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर सकता है पहला टाइप हो गया दूसरा फोर्स वेलोसिटी के साथ वेरी कर सकता है दूसरा टाइप हो गया तीसरा फोर्स टाइम के साथ वेरी कर सकता है तीसरा टाइप हो गया बात समझ में आई या नहीं आई यस सर आई फोर्स किसके किसके साथ वेरी कर सकता है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी और टाइम टाइम अगर तो पहला टॉपिक हम करने जा रहे हैं कि फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी कर रहा है
तो बताइए कि वर्क डन कितना होगा, निकाल सकते हो? यस सर। चलो देखते हैं, लिखो। देखो पहला टाइप, मान लेते हैं कि एक बॉडी है ऐसे, सब कुछ वही है जो अभी पढ़ के आए हो मेरे बच्चों, सब कुछ वही है जो अभी पढ़ के आए हो, सिर्फ यहाँ फोर्स को हम बदल दे रहे हैं, फोर्स ऑफ वेरिएबल कर दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक पार्टिकल है, उस पार्टिकल पे या उस बॉडी पे जिसका मास है मान लो 2 kg, और उस बॉडी पे फोर्स लग रहा है एक F is equal to मान लो 3x, ठीक चलेगा? वेरिएबल फोर्स भी कांस्टेंट है, वेरिएबल x is equal to 0 है, t is equal to 0। अब ये पार्टिकल यहां पहुंच गया, तो बताइए जब x is equal to 5 मीटर होगा, कितना 5 मीटर, तो उस समय बताइए कितना वर्क डन हुआ, यहां से लेके 0 से लेके 5 तक कितना वर्क डन हुआ? ठीक है, डिटरमाइन द वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स when it displaced from x is equal to 0 to x is equal to 5. Sir, ye 3x yahan pe humne x ki value rakhni hai. So when body displaced from 0 to 5 meter. Theek hai? Yes sir. Nika मैं बता देता हूँ, अगला आप करना, ठीक है? आंसर x के टर्म में ही आएगा। नहीं, बता रहा हूँ, अगला आप करना, ठीक है? क्योंकि पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, अभी मैं दिखाऊंगा, IIT में कई बार पूछा गया है। तो जो अब देखो यहाँ फोर्स वेरिएबल है कि कांस्टेंट? फोर्स क्या वेरिएबल या कांस्टेंट? वेरिएबल। अच्छा यहाँ फोर्स की डायरेक्शन ना देना, तब भी अगर F is equal to 3x लिख दिया, इसका मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में है? पॉजिटिव x डायरेक्शन। x डायरेक्शन। मैंने तो यहाँ डायरेक्शन दिखा दिया है, अगर ना दिखाता और कह देता कि एक बॉडी है जिसपे F is equal to k 3x न्यूटन का फोर्स लग रहा है, उस बॉडी का मास इतना है और वो बॉडी x is equal to 0 से स्टार्ट होकर x is equal to 5 मीटर तक गई है, तो बताइए उस एक्सटर्नल फोर्स के कारण उस बॉडी पे कितना वर्क करना पड़ा? मेरा क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे भाई? अब आप करोगे, चूंकि यहाँ वेरिएबल फोर्स है तो वेरिएबल फोर्स के लिए हम लोग वर्क डन लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ? dw is equal to f dot ds ds होता है कि नहीं होता है बताओ? यस सर। आप मुझे ये बताओ f कितना है? 3x है? यस सर। डॉट dx, अच्छा ये बताओ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट x डायरेक्शन में है सिर्फ या y में भी होगा? x में। क्यों? क्योंकि सिर्फ फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? x में। यहाँ क्या लिखोगे? 3x into dx। क्यों? अच्छा यहाँ f dot ds को हम लिख के f into ds cos theta लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ये बताओ? Yes sir। तो theta क्या हो जाएंगे यहाँ पे? 0? 0। क्यों? क्योंकि force भी उसी direction में है और displacement भी उसी direction। भाई y में तो नहीं है ना, z में तो नहीं है ना? No sir। तो dw is equal to क्या हो जाएगा? f dot ds या f into ds cos theta, या दूसरा भाई देखो, ये फोर्स x डायरेक्शन में, तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो 3x i कैप? नहीं आया? आया सर। अरे आया ना, ये डायरेक्शन दिखा दिया, मतलब क्या हो गया? f is equal to 3x i कैप हो गया, और ds को क्या लिखता, क्या लिखते हो डिस्प्लेसमेंट को? बोलो, चलो ये दूसरे वाले तरीके से देख लो, लेकिन एक ही तरीका आप आजमाना चाहें, जो भी हमारी तरह जो है कई सारे तरीके आजमाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ये हो गया f dot ds, बताओ
डीएस हो जाएगा डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, यही तो होगा। अरे बोलो, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको ऐसे ही तो लिखेंगे। यस सर। ठीक, तो हमने ये लिख दिया डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट है। तो बताओ एक्स का एक्स के साथ, मतलब आई का आई के साथ होगा, जे वाला का जे के साथ है ही नहीं, के वाला के साथ है ही नहीं, तो ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगे? जीरो। जीरो, तो बचेगा क्या बताओ? 3x and dx. 3x into dx. यही तो बचा? Yes sir. क्या कर देंगे हम लोग? इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ? कहाँ से कहाँ पूछ रहा है आपसे? जीरो से फाइव। जीरो से लेके फाइव। तो यहाँ लिमिट लगा दोगे जीरो टू फाइव। ओके, नहीं आई बात सुनो? Yes sir, आ गए। तो dw लिख लो। सॉरी, अब यहाँ dw की जगह क्या लिखोगे? w w, तो yes, w is equal to हो जाएगा, इंटीग्रेट कर दिया ना उसे, तो w is equal to हो जाएगा क्या? 3 बाहर निकाल लो, x dx का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? x square by 2। यस सर। और यहाँ लिमिट लगा दो 0 to 5। 0 to 5। ठीक है, तो 5 पे कितना हो जाएगा? 5 पचे 25, 3 75 बटा 2 जूल। ठीक है, इतना जूल वर्क करना पड़ेगा उसे। कोई दिक्कत? नो सर। दूसरा दें? यस सर। कर लोगे आप ऐसे? देखो डीएस को आप तुरंत फट से क्या लिख दो? डीएक्स आई प्लस डीवाई जे प्लस डी जेड के। ओके, यस सर। चले आगे? यस सर। लिखो, एक बॉडी है जिसका मास है, छोटा छोटा हल्का हल्का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ज्यादा भारी नहीं दूंगा। अब मास है इसका, मान लो 2 kg। इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, एफ इज इक्वल टू, एक फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, एफ इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं, छोड़ दो, थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। लिखो, कराऊंगा मैं, 3x स्क्वायर आई कैप, इस पे एक फोर्स लग रहा है। ठीक है, आई कैप समझ ही गए होगे किस डायरेक्शन में है? समझ गए ना? एक्स डायरेक्शन। यस, एक्स डायरेक्शन। ठीक है, आपको बताना है कि लिखो, डिटरमाइन वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, work done by the force when body displaced from 0 to 4 meter, displaced from 0 to 4 meter, 0 से कहां displace हो रही है? 4 meter सर। हाँ बोलो सर। हाँ बोलो। बोलो बोलो। 0 to 4 meter पे मैंने पूछा है, 0 to 4 meter पे मैंने पूछा, जल्दी बताओ। बोलो बच्चे। 64 जो 64 आ रहा है? यस सर। 64 आ रहा है? यस सर। अच्छा, देख सबका आ गया भाई। कोई है बच्चा जिसको नहीं आ रहा है? बोलो जल्दी, अभी तो ये आसान वाला है यार, फिर वेलोसिटी का देंगे, टाइम का देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। सब मेरा ना 64 आ रहा है। यस सर। अरे भाई देखो, वर्डन क्या हो जाएगा? सीधा सीधा वर्डन हो जाएगा, चूंकि एक्स डायरेक्शन में, तो एक्स वाले का ही मल्टीप्लाई करो, वाई जेड का तो छोड़ दो ना। यस सर। क्या समझो, इसीलिए मैं लिखवाया था उसको, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, सीधा सीधा इंटीग्रेट कर दो। कहां से कहां इंटीग्रेट करोगे? 0 to 4, यही तो होगा।
जीरो टू फोर मीटर में ही पूछ रहा है ना, तो डब्ल्यू कितना हो जाएगा बोलो, थ्री बाहर ले लिया, एक्स क्यूब बाई थ्री, जीरो टू फोर, थ्री थ्री को खा गया, डब्ल्यू कितना आया बताओ, चार चौका सोलह चौका चौसठ, चौसठ जूल आया, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे सब हल्के क्वेश्चन है भाई। Yes, easy question. Easy questions. आप देखो easy questions क्या है, 2014 में पूछा गया है मेंस में। क्या पूछा गया देखो, लिखो, when a rubber band is stretched, आप लोगों से बढ़िया रबर बैंड के बारे में कौन जानेगा। When a rubber band is stretched, stretched by a distance x, by a distance x, कितना distance खींचा गया वो? x, x distance, मतलब ये length रही होगी, तो उसे खींच के मान लो ये कुछ length रही होगी, इसे खींच के मान लो l length है, तो इसे खींच के कितना बड़ा कर दिया? कितना बड़ा कर दिया? ये होगा। तो कितना मान लो ये कितना खींच लिया x, ठीक है, अब ये हो गया l प्लस ये वाला l और ये वाला x, तो l प्लस x हो गया, नेचुरल लेंथ से उसे x डिस्प्लेस कर, ठीक है। यस सर। इट एक्सर्ट्स, आगे लिखो, इट एक्सर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड, इट एक्सर्ट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड F is equal to AX plus BX square. So it exerts a restoring force. Restoring force होता है वो force जो कि आपके force का oppose करे, और जैसे ही आप अपना force हटाओगे ये फिर से body को अपनी initial position पे ले आता है। Rubber को आप खींचते हो, ऐसे खींचा, yes sir, तो जैसे ही आप अपना ऐसे आप ऐसे खींचते हो उसे, तो जैसे ही आप खींचना छोड़ देते हो फिर से वो अपनी इनिशियल पोजीशन पे आता है कि नहीं आता है? यस सर। इट जस्ट बिकॉज ऑफ रेस्टोरिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट बॉडी, ये सब में नहीं होता है, लेकिन जिसमें होता है वो बॉडी को अपनी इनिशियल पोजिशन पे ले आता है। यस सर। ठीक है, जैसे स्प्रिंग में फोर्स होता है, F is equal to KX, पढ़ा है कि नहीं? Yes, sir, पढ़ा है। ठीक, कि आपने ऐसे स्प्रिंग को खींचा, जैसे खींच के छोड़ते हो फिर से स्प्रिंग अपनी इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। इसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? रिस्टोरिंग, मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है। ठीक, अच्छा आगे लिखो, वेयर ए एंड बी आर कॉन्स्टेंट, द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द In stretching the unstretched rubber band by length L. By length capital L is is ऑप्शन ले लो, एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब, ई ऑप्शन ऑफ एल स्क्वायर प्लस एल क्यूब, सी ऑप्शन एल स्क्वायर बाय टू प्लस एल क्यूब बाय थ्री, डी ऑप्शन हाफ AL square by 2 plus BL cube by 3. बताओ
करा कि अनस्ट्रेस्ड रबर है उसको एल लेंथ खींचना है, इनिशियल लेंथ जो भी है उससे मतलब नहीं है, करा कि एल लेंथ खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा। फोर्स ये जो दिया है ये वेरिएबल फोर्स है कि कांस्टेंट फोर्स है? वेरिएबल वेरिएबल। भाई ये बताओ, रबर आप दुकान से लेके आते हो yes, तो sir. पहले जितनी लेंथ का होता है उस लेंथ से जब बढ़ाना शुरू करते हो तो क्या आपको फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता? यस yes, लगाना पड़ता है। बात समझ में आई? तो जितना आप फोर्स लगाते हो ना बच्चे, इस बात को समझना सर, ऑप्शन मैंने एक चीज आपको नहीं पढ़ाई है तो उसको मुझे जो ना उसको मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे पढ़ा देना चाहिए था। ऑप्शन सी सर, ऑप्शन सी। देखो मेरी बात, जब आप उसे खींचना शुरू करते हो तो उस पे आप फोर्स लगाते हो तभी वो खींचेगा, अदरवाइज नहीं खींचेगा, अदरवाइज नहीं खींचेगा, नहीं खींचेगा तो नहीं खींचेगा तो वो अपनी इनिशियल लेंथ पे है, उसे कहते हैं नेचुरल लेंथ। क्या कहते हैं उसे? नेचुरल लेंथ। क्या वो नेचुरल लेंथ में जब है तो आपने कोई फोर्स लगाया उस पे? नो सर। नहीं, लगा के क्या करते हो? उसे बड़ा करते हो, खींचते हो। डिस्प्लेस्ड। तो जब उसे खींच रहे हो तो वो कह रहा है कि ऑन, जब वो लेके आए ना, लेके आए और रखा हुआ है तो अनस्ट्रेस्ड है, जब उसे खींचते हो तो वो स्ट्रेस्ड हो गया। तो उसे स्ट्रेच करके कितना लंबा किया उसने, कितना लंबा खींचा उसे? एल लेंथ। तो वही कह रहा कि ये एल लेंथ खींचने में कितना वर्क करना पड़ेगा। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी था कि नहीं बता? यस सर। तो जब ये देख, मैं बच्चे ध्यान से समझ, इस बात को समझना, जब ये रबर आप अपने दिमाग में रखो कि हम रबर दुकान से लेके आए, तो दुकान से जो लेके आए हो रबर उसकी जो लेंथ होती है उसे कहते हैं नेचुरल लेंथ। क्या कहते हैं उसे? नेचुरल लेंथ। नेचुरल लेंथ, ये उसकी नेचुरल लेंथ। यस सर। इस लेंथ में हमने कुछ भी नहीं किया है, कुछ yes, नहीं, नहीं किया, नहीं किया हमने, इसको बढ़ाया घटाया कुछ भी नहीं किया। हम बढ़ाएंगे तब हम इस पे फोर्स लगाएंगे, अदरवाइज फोर्स नहीं लगाएंगे। तो अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, तो कह रहा है कि इसे वो बढ़ा के ना कितना लेंथ बढ़ाया इसको, मान ले ये 2 मीटर का था, एल लेंथ। यस सर, 2 मीटर। 2 मीटर मान ले ये 2 मीटर का था और आपने इसे 6 मीटर का कर दिया। कितने मीटर का कर दिया? 6 मीटर। 6 मीटर। तो कितना बढ़ाया आपने? 4 मीटर। 4 मीटर। तो वो कह रहा है वही 4 मीटर पे कितना वर्क करना पड़ेगा। अब समझ में आएगा? यस। भाई वो 4 मीटर जो बढ़ाया आपने उस पे तो आपने फोर्स लगाया होगा कि नहीं लगाया होगा? यस लगाया होगा। तो इसको आप मान लिया कि ये जीरो, नेचुरल लेंथ मतलब लेंथ उसकी क्या है? जीरो। मतलब डिस्प्लेसमेंट या इनिशियल पोजिशन उसकी क्या है? जीरो। और जब आपने बढ़ा दिया उसको, बढ़ा के कितना कर दिया? 6 मीटर। तो उसकी फाइनल पोजिशन क्या हो गई? 4 मीटर। 4 मीटर हो गई, मतलब सॉरी, वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया उसका? 4 मीटर का। 4 मीटर कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया? 4 मीटर का। आप कह सकते हो कि इनिशियल पोजिशन उसकी जीरो नहीं कहो आप, इनिशियल पोजिशन उसकी 2 है और फाइनल पोजिशन कितनी है उसकी? 6 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई? डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजिशन माइनस इनिशियल पोजिशन। फाइनल पोजिशन उसकी 6 है, इनिशियल उसकी 2 है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 4 मीटर। यही डिस्प्लेसमेंट करना था। बात समझ में आएगी? नहीं बताओ पहले। ये से आ गई। ठीक है चलो, तो देखो अब देखो यहाँ देखो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा भाई? वर्क डन होगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट, चूंकि एक्स डायरेक्शन है तो एफ डॉट डी एक्स या एफ इंटू डी एक्स। देखो इंटीग्रेशन ऑफ एफ कितना है? ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कर कितना आया? ए एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बी एक्स क्यूब बाई 3
कहां से कहां वेरी कराओगे? जीरो से एल। इतना ही तो डिस्प्लेस हुआ है। यस सर। एल जीरो था, तो ये हो जाएगा आपका कितना? ए एल स्क्वायर बाई टू। ए एल स्क्वायर बाई टू प्लस ए एल क्यूब बाई थ्री। ए एल क्यूब बाई थ्री। 2014 में इसमें पूछा गया है। सोच कितना आसान क्वेश्चन। यस है आसान कि नहीं बताओ? यस सर है। ठीक है। यस सर। अब मान लो ये कहता आपसे, मेरे बच्चे इसी क्वेश्चन में उसने कहा कि अनस्ट्रेस से एल लेंथ बढ़ाया। कहां से एल लेंथ बढ़ाया? अनस्ट्रेच टेंसिव लिखा हुआ है वो, अनस्ट्रेस से एल लेंथ बढ़ाया, ये लिखा है क्वेश्चन में। अगर मान लो ये कह देता कि बच्चे एक बॉडी पे फोर्स लग रहा है एफ इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, रेस्टोरिंग फोर्स इतना लग रहा है, रेस्टोरिंग फोर्स इतना लग रहा है, और वो कहता कि एक स्ट्रेस्ड स्प्रिंग पे या स्ट्रेस्ड रबर पे जिसकी लेंथ पहले से L1 स्ट्रेस्ड है, पहले से L1 स्ट्रेस्ड, फर्दर उसे L2 लेंथ स्ट्रेस्ड करने में कितना वर्क करना पड़ेगा, या L2 लेंथ तक ले जाने में उसे कितना वर्क करना पड़ेगा, जहां L2 L1 से बड़ा है। L2 L1 से यस। L2 लेंथ ले जाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, पहले से कितना स्ट्रेस्ड है L1 L1, फिर अब उसे क्या कह रहा है वो L1 से अब उसे फिर से स्ट्रेस कर रहा है, कहां तक ले जा रहा है उसे L2 L2 तक, तो वो कह रहा है आपसे कि बताइए कितना वर्क करना पड़ेगा L1 से L2 तक ले जाने में, क्या करोगे? अब देखो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन हो जाएगा सीधा सीधा F dx, लिमिट चेंज हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी, कहां से कहां चेंज हो जाएगी, अब L1 से L2 हो जाएगी, L1 से L2, L2 नहीं आई बात सुन? यस सर। हाय सर। क्लियर है? यस सर। यस सर। L1 कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये L1 से L2 पहले से ही स्ट्रेच था, फिर आपने उसे स्ट्रेच कर, ठीक है? यस सर। अब आप ये नहीं करोगे कि L2 में से L1 को माइनस कर दिया, जितना डिस्प्लेसमेंट आया वो डिस्प्लेसमेंट इनटू फोर्स, या उसकी लिमिट जीरो से L2 माइनस L1 कर दोगे, तब तो गड़बड़ हो जाएगा भैया। यस सर। तब सत्यानाश हो जाएगा। क्लियर है ना? यस सर। तो L1 से L2 कर दोगे आप, काम हो जाएगा आपका। ठीक, आगे चले, एक और क्वेश्चन लिख लो। यस सर। ए पार्टिकल इज मूव, Particle. A particle is moves from x is equal to 0 to x is equal to 4 second. Sorry, 4 meter. X is equal to 4 meter. A particle moves from x is equal to 0 to x is equal to 4 meter. Okay? Yes, sir. Under the influence of force given by under the influence of force given by F is equal to 5 minus 3x plus 2x square. ठीक है, calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force.
Calculate the work done by the force. Calculate the work done by the force. ठीक है, निकाल लोगे? Yes, sir. निकाल लो फटाफट, कितना आया? 38.67 आ गया? Yes, sir. सीधा सीधा कर लोगे, W is equal to integration of F into dx. सीधा सीधा F into dx. F कितना है? 5 minus 3x plus 2x square. Into dx. लिमिट कहां से कहां लगा दोगे? जीरो से? जीरो से फोर. लगा दो. इसका लिमिट लगा दो जीरो से फोर. तो देखिए क्या आया. ये आ जाएगा 5x minus 3x square by 2 plus 2x by 3. यही तो आएगा? Yes. जीरो टू को. यही तो आएगा भाई? Yes, sir. इसे इंटीग्रेट कर लो. सॉरी, इंटीग्रेट कर ही दिया. लिमिट लगा लो. लिमिट लगा लोगे इसका जीरो है. ये जाएगा 5 into, तो यहाँ आ जाएगा 5 into 4 minus 3 into 4 का square divided by 2 plus 2 into 4 का cube divided by 3. तो यही तो आएगा. Yes, sir. ऐसा 16 आना था. 38.67 जो पॉइंट आ रहा है ना, पॉइंट में. यस सर, पॉइंट में बताया था 38.67. हाँ ठीक है, आपने कैलकुलेट कर लिया इसे? यस सर. समझ में आ गया? यस यस. आप देखो 98 में क्या क्वेश्चन पूछा है. देखो, लिखो ए पार्टिकल ऑफ मास 10^-2 kg. 98 में क्या क्वेश्चन पूछा? देखो, ए पार्टिकल ऑफ मास (10^-2 kg) ठीक है? Yes, sir. Is moving along the positive x axis. Is moving along the positive x axis. Under the influence of a force, under the influence of a force, F is equal to K upon 2X square, minus ke saath. ठीक है? F is equal to minus of K upon 2X square. Yes, sir. Where K is equal to 10^-2 Newton meter square. ठीक है, K is equal to 10^-2 Newton meter square. Full stop. At time t is equal to 0. At time t is equal to 0. It is at x is equal to 1 meter. It is at x is equal to 1 meter. And its velocity is 0. ठीक है, एंड इट्स वेलोसिटी इज जीरो. मतलब टी इज इक्वल टू जीरो पे पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट था वो किस पोजीशन पे था? एक्स इज इक्वल टू 1 मीटर पे. और उस समय वेलोसिटी उसकी कितनी थी? जीरो थी. जीरो थी. आपसे पूछ रहा है, बताइए, लिखिए फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस एक्स इज इक्वल टू 0.5 मीटर. Its velocity reaches when it reaches at x is equal to 0.5 meter. And
when it reaches at x is equal to 0.5 meter. दूसरा क्वेश्चन इसी में है. फाइंड द टाइम एट विच इट रीचेस. फाइंड द टाइम एट विच इट रीचेस. इट रीचेस एक्स इज इक्वल टू 0.25 मीटर. इक्वल 0.25 मीटर. Hello. Its velocity when at x is equal to 0.5 meter. Find the time at which it reaches x is equal to 0.25. निकल जाएगा? Yes sir. क्या निकाल रहे हो पहले? Sir, velocity. कैसे निकालोगे? पहले acceleration निकालो. एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे? मास इनटू एक्सेलेरेशन. अच्छा चलो ठीक है, मान लिया हमारी बात. इनटू एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा तुम्हें? एफ अपॉन एम. एफ अपॉन एम. एफ अपॉन एम से एक्सेलेरेशन तुम्हारा आ जाएगा. अच्छा एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा ना? यस सर. एक्सेलेरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? सर एक्सेलेरेशन आ रहा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. जीरो पॉइंट फाइव मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलो मैं बता देता हूँ आप लोगों को. हालांकि माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर. माइनस वन अपॉन टू एक्स स्क्वायर ये है ना सर? तो एक्स स्क्वायर में तो वो लिख देंगे ना वन रख देंगे. मैं क्वेश्चन देने जा रहा था आपको. So, उसे dv कर देंगे ना, dv by dv. देखो एक्चुअली क्या है, मैंने तीन टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे. इसमें पूछता है क्या क्या? Yes, sir. सर एक होमवर्क के लिए भी देना. हाँ मैं दे. एक्चुअली इसमें तीन टाइप के क्वेश्चन पूछता है. क्या क्या? एक फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी करे, दूसरा फोर्स वेलोसिटी के साथ वेरी करे, और तीसरा फोर्स टाइम के साथ वेरी करे. ठीक. तो अभी जो क्वेश्चन है, अभी जो क्वेश्चन, वहां फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ वेरी तो कर रहा है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी पूछ रहा है ना? Yes, तो वेलोसिटी हम लोग निकाल लेंगे जब हम लोगों को एक्सेलेरेशन पता चल जाएगा. क्या पता चल जाएगा? एक्सेलेरेशन. अब देखो चलो मैं दिखाता हूं आपको, फिर दूसरा क्वेश्चन इस पे दे दूंगा. F is equal to minus k upon 2x square है कि नहीं बोलो? ये है हमारा F is equal to minus of k upon 2x square है ना? मास दिया हुआ है क्या? मास ऑफ द पार्टिकल दिया हुआ है? हाँ 10 to the power minus 2 kg दिया है ना? 10 to the power minus. और आपका k दिया हुआ है 10 to the power minus 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इतना तो दिया है ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर इतना दिया है ना? यस ठीक है. अब देख बच्चे, ये जो एफ है जिसके कारण, जिस फोर्स के कारण आप वर्क डन निकाल रहे हो, इसका मतलब उससे डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? हुआ होगा, तभी तो वर्क आया. यस सर. अब क्या करो, जो फोर्स लगेगा जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब क्या वो नेट फोर्स है? Yes, sir. Net force is equal to mass into acceleration. तो देखो क्या F is equal to mass into acceleration लिख के हम लोग minus of k upon 2x square लिख दें तो कोई दिक्कत होगी क्या? No, sir. No, sir. नहीं आई बात समझ में? आ गई. किया मैंने? हैं कर दी. हाँ यही किया है तुमने. Good. मैं भी जानता हूँ कि आपने यही किया है. बता रहे थे अभी. मुझे F by M किया था ना? Yes, sir. हाँ ये F by M किया था. ठीक है सही है. तो देखो M की जगह 10 to the power minus 2 रख दो into acceleration is equal to minus of k upon 2x square. मेरे बच्चे मुझे लगा तुम्हें आया. Yes.
तो yes, आप यहाँ देखो k की वैल्यू भी आप 10^-2 रख सकते हो क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो आप अगर ध्यान से देखो तो एक्सेलेरेशन आ गया आपका -10^-2 2x² × 10^-2। ये ऊपर वाला 10^-2 किसका है? k का। इस k की वैल्यू हमने वहां रख दी, ये वाली, ठीक चलेगा? Yes. तो अब देख 10^-2 को खा गया, तो एक्सेलेरेशन जो आया हमारा वो आ गया आपका देखो -1/2x², ये आप लोगों का आ गया है, आ गया कि नहीं बताओ? Yes, आ गया है ना। अब बता एक्सेलेरेशन आपका पता हो गया, यहाँ एक्सेलेरेशन वेरिएबल है कि कांस्टेंट? वेरिएबल। और एक्सेलेरेशन किसका फंक्शन है? डिस्प्लेसमेंट का। तो वेरिएबल एक्सेलेरेशन में अगर एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और हमको वेलोसिटी निकालना है तो हमारे पास वेरिएबल एक्सेलेरेशन के तीन फॉर्मूले हैं। एक dv/dt, दूसरा एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू vdv/dx, है कि नहीं पता बताओ? तो कौन सा अप्लाई करोगे जिससे वेलोसिटी निकल जाएगी? vdv/dt। अरे नहीं आया। यस सर आ गया। तो इससे क्या मिल जाएगा हमको? एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन तो हम अगर ये वाला फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो एक्सेलेरेशन की जगह हम रखेंगे vdv/dx। यस सर। इज इक्वल टू -1/2x². तो क्या वहां से हमको वेलोसिटी नहीं मिल जाएगी? मिल जाएगी सर। देखो कैसे, देखो अब यहाँ हम लोग a इज इक्वल टू -1/2x² है और a इज इक्वल टू vdv/dx है, तो a की जगह vdv/dx अगर हम रखें तो देखो हमारा हो गया vdv/dx इज इक्वल टू -1/2x². मुझे लगता है इसमें किसी को एतराज तो होना नहीं चाहिए। नो सर। क्लियर है ना? यस सर। तो vdv कितना हो गया बताओ? -1/2x² dx हुआ कि नहीं हुआ बोलो? अब आपको वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी निकालनी है तो इसे क्या कर दो? इंटीग्रेशन। कहां से कहां? -1 m/s आ रहा है। 1 से कहां तक? 0.5 तक। क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि 1 से 0.5 तक आया है, तो हमको नहीं पता वो कैसे आया है। आया है तो आया है, तो 1 से 0.5। अब यहां 1 पे, जब वो 1 पे था तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? दिया हुआ है देखो। यस सर जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 0 और फाइनल आप निकाल लो, ये तो पूछ रहा है आपसे। यस सर। सो वेलोसिटी -1 m/s आ रही है। माइनस आएगा? यस सर। देखता हूँ। स्क्वायर इक्वल टू 1 आ रहा है ना, तो फिर प्लस माइनस। स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा ये सीधा सीधा। यस सर। इक्वल टू माइनस बाहर ले लो, 1/2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा भाई? 1 to 0.5 1/x² को हम लिख सकते हैं x to the power -2 लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? यस। x to the power -2 dx। यस सर। लिख सकते हैं ना? यस सर। -1/2x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x^-1/-1। माइनस वन। यस सर। लिमिट लगा दोगे 1 से 0.5 मतलब 1/2। 1/2 रूट टू आ रहा है। 1/2 कंफ्यूज कर जाओ। रूट टू आ रहा है। 0.5। तो ये देखो, ये 2, ये 2 को खा गया सीधा सीधा। यस। तो v स्क्वायर किसके बराबर हो गया? v स्क्वायर हो गया, माइनस ये वाला भी अंदर आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। रूट टू आर। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x, 1/x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x कितना? 0.5 से 1 तक। जीरो से। तो v स्क्वायर की जो वैल्यू आई है वो आ गई 1/0.5 -1। ये तो आया। यस सर। 2 -1, 1/0.5 मतलब 2 हो गया।
यस सर. टू माइनस वन कितना आएगा? वन. वी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. तो वी इज इक्वल टू प्लस माइनस वन प्लस माइनस वन मीटर पर सेकंड. सो टाइम आ रहा है पाई बाई थ्री प्लस रूट थ्री बाई फोर. टाइम कितना आ रहा है बताओ? पाई बाई थ्री प्लस रूट थ्री बाई आर. टाइम आ रहा है 1.48 सेकंड. अब देखो यस सर वेलोसिटी का फंक्शन आ गया. क्या आया वेलोसिटी का फंक्शन? देता हूं वेलोसिटी का फंक्शन डिस्प्लेसमेंट के टर्म में आया कि नहीं ये बताओ. देखो यहां से, देखो यहां से लिमिट मत लगाओ तो ये आ गया वेलोसिटी. यस सर. तो वी स्क्वायर किसके बराबर हो गई? देखो ध्यान से. तो x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस. तो v स्क्वायर बराबर हो गई कितना? x की पावर माइनस वन या v स्क्वायर हो गया x की पावर वन. सॉरी वन अपॉन x. ये तो वन अपॉन x. यस सर. v स्क्वायर वन अपॉन x. तो v स्क्वायर जब वन अपॉन x हो गया तो आप इसे फिर क्या कर लो? v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वन अपॉन x. ठीक है अब इसको आगे ट्राई करना. ठीक है चलो वेलोसिटी आ गई. डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है. टाइम निकालना है तो यहाँ क्या कर दोगे भाई? v को आप क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ v को क्या लिख सकते हो आप? dx by dt लिख सकते हो कि नहीं? बोलो यार. yes sir. dx by dt is equal to one upon root x हुआ कि नहीं हुआ? बोलो. yes sir. तो ये हो जाएगा root x dx is equal to dt. होगा कि नहीं होगा बताओ? अरे नहीं आया. yes sir आ गया. इसे क्या कर दो फिर? integrate x to the power 2 root x का इंटीग्रेशन कितना? root x का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा? x to the power 3 by 2 divided by 3 by 2 divided by 3 by 2. yes 3 by 2 divided by 3 by 2. कहां से कहां लिमिट लगाओगे? 1 से 0.25. अरे यही तो. कहां तक पूछ रहा है वो कि जब 0.25 तक आया is equal to dt. ये 0 से मान लो ये t है तो t की वैल्यू कितनी आएगी वो निकाल लो. ये है t की वैल्यू रख दो इसमें. अरे नहीं आया सर. आ गया. ठीक है ना? यही तो होगा t की वैल्यू. यस सर. लिमिट रख के इसमें t की वैल्यू निकाल लो. पूरा का पूरा क्या है बताओ? काइनेमेटिक्स. क्या है पूरा का पूरा? काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में आप एक्सेलेरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेरिएबल का कांस्टेंट का सबका निकाले होगा ना. तो यहां फोर्स दे देता है जिससे कि आप उसका एक्सेलेरेशन निकालो. नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन. एक्सेलेरेशन निकाल लिया, वेलोसिटी निकल जाएगी, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा, जो चाहोगे वो निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा, कुछ भी निकल जाएगा भाई. अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यस सर आ रही है. ठीक है